नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने फिर भरी हुंकार, चरणबद्ध तरीके से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ कई वर्षों से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखता आ रहा है, लेकिन सरकार के अनदेखे रवैये से नाराज पटवारी पुनः एक बार आंदोलन की राह अपनाते दिख रहे हैं। वर्षों से लंबी समय मान वेतन विसंगतियों को लेकर 2100 पे ग्रेड वेतन को 2800 पे ग्रेड किए जाने की बात रखता रहा है, लेकिन पूर्व में किए गए आंदोलन 2019 में सरकार द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। इसी के साथ ग्रह जिले में पटवारियों की स्थापना तथा CPCT की अनिवार्यता समाप्त किए जाने की बात रखी। वेतन एवं कर्मचारियों को अगले पदोन्नति पद के वेतन पे ग्रेड देने की सरकार से रखी मांग। पटवारी संघ मध्य प्रदेश तहसील इकाई अध्यक्ष शिथिल दमकाय ने 25 जून 2021 को तहसीलदार अमरपाटन को दिया ज्ञापन, जिसमें उन्होंने चरणबद्ध तरीके से हड़ताल पर जाने की बात कही। न्यूज 11 से राजकुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम शिथिल दमकाय है, मैं अमरपाटन तहसील में पटवारी हूँ जी, और मैं वर्तमान में अमरपाटन तहसील इकाई पटवारी संघ का अध्यक्ष हूँ जी। तो ये बताइए सर कि ये जो आप लोग आंदोलन की राह अपना रहे हैं, किस उद्देश्य से ये आंदोलन की राह अपनाने के लिए सोचा आपने? हमारी वर्षों से लंबित मांग है, सबसे महत्वपूर्ण मांग 2800 ग्रेड पे जी, जो लगभग 22 वर्षों से लंबित चली आ रही है जी जी। इससे पूर्व भी आप लोगों ने क्या आंदोलन किया? इससे पूर्व भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, पिछले वर्ष डेढ़ वर्ष पहले जी जी, 2800 ग्रेड पे के लिए आंदोलन किया था। इसके अलावा हमारी और दो मांगे हैं जी जी, इसमें नए पटवारी है 2017 बैच के जो पटवारी हैं, उनमें जो CPCT की अनिवार्यता है उसको ख़त्म की जाए, ठीक है, और दूसरी जो जिला गृह जिले में स्थानांतरण को संविलियन किया जाए जी जी। तो ये बताइए कि आपकी जो आंदोलन की राह है किस दिन से किस समय से प्रारंभ हो रही है? इसकी हमने रूपरेखा पहले 26 जून को सभी तहसील कार्यालयों में तहसीलदार महोदय लोगों को ज्ञापन दे दिया था जी जी, जिसमें हमारी चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन गति कर रहा है जी जी, जिसमें वर्तमान में 30 तारीख को जी हम लोग सामूहिक इस्तीफा अपने तहसील अध्यक्ष को दे देंगे सभी पटवारी जी जी, ठीक है, और उसके बाद 2 अगस्त से 4 अगस्त तक 3 दिन का सामूहिक अवकाश पे जाएंगे जी जी, ठीक, और इस 2 तारीख के पहले तक मतलब 30 तारीख तक, आज से 30 तारीख तक हम केवल भू अभिलेख से संबंधित कार्य करेंगे। इसके अलावा अन्य जो 56 विभागों के कार्य पटवारी के द्वारा किए जाते थे उनका हम बहिष्कार कर चुके हैं। तो ये बताइए सर कि जो प्रक्रिया होगी आपकी तो चरणबद्ध तरीके से हो रही है, ये आपने बताया, तो क्रम बाई क्रम जिलेवार चलेगी? ये पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ चलाई जा रही है जी जी। हमारे मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर हर तहसील कार्यालयों से हम ज्ञापन के द्वारा यह सूचित कर चुके हैं अपने आंदोलन की रूपरेखा को जी जी, ठीक है। 4 तारीख तक यदि हमारी मांगों को शासन नहीं मानते हैं तो उसके बाद हम कलमबंद हड़ताल पर जाएंगे जी। धन्यवाद।